वेलकम बैक एवरीवन। आज हम क्लास फिफ्थ में यूनिट नंबर 10 ऑपरेशंस विद डेसिमल से एक्सरसाइज 10H करेंगे, जो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है डेसिमल्स के ऊपर। ओके, सो सीधा क्वेश्चन नंबर 1। इन अ डांस कॉन्टेस्ट ऑन टीवी, डोयल्स टीम गोट 9.8 पॉइंट्स फ्रॉम द ऑडियंस, 9 पॉइंट्स फ्रॉम द जजेस एंड 9.6 पॉइंट्स फ्रॉम द टीवी व्यूअर्स। What was the team's total score? एक टीम है डॉयल्स की, वहां से उस टीम को कुछ पॉइंट्स मिले हैं, ऑडियंस से मिले हैं, जज से मिले हैं और टीवी व्यूअर से मिले हैं, तो टोटल स्कोर बताना है। तो हमें जो सारे पॉइंट्स की वन है उसको सिर्फ ऐड कर देना है, बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम लिखेंगे द पॉइंट्स From the audience, कितने मिले उसको 9.8। ओके, फ्रॉम द जजेस से कितने मिले 9.0 और टीवी व्यूअर से कितने मिले 9.6। ओके, टोटल स्कोर बता दीजिए, इसको सिर्फ ऐड कर दीजिए। दी टीम्स टोटल स्कोर, बस इसको ऐड कर दीजिए आप। पहले लिखेंगे आप 9.8, फिर इसके उसके बाद 9.0 और लास्ट में 9.6, सबको ऐड कर दीजिए। 8 प्लस 6 मेक्स इट 14, कैरी 1 आ जाएगा। 9 प्लस 9 18, प्लस 9 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। तो कितने टोटल पॉइंट हो जाएंगे 28.4 पॉइंट्स हो जाएंगे उस टीम के। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रॉबिन हैड रुपीज 150, रॉबिन के पास 150 रुपीज हैं। ही बोट सुगर फॉर रुपीज 19.50, जिसमें से उसने सुगर मीन्स चीनी खरीद ली है 19.50 रुपीस की। वीट फ्लोर मीन्स गेहूं का आटा उसने खरीदा है रुपीस 90 का, और बिस्किट खरीदे हैं रुपीस 28.25 के। तो कितनी मनी उसके पास बची है, तो क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर देंगे। जो सुगर की मनी है, वीट फ्लोर की है और बिस्किट की, इन सबको ऐड करके हम 150 में से माइनस करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे टोटल मनी। टोटल मनी कितनी है उसके पास, रुपीस 150, जिसमें से उसने सुगर कितना खरीदा, सुगर इक्वल टू रुपीस 19.50 और वीट फ्लोर गेहूं का आटा 90 का, और बिस्किट्स कितने के हैं रुपीस 28.25। सबसे पहले तो हम मनी लिखेंगे जो इसने यूज की है, तो सबसे पहले लिखेंगे यूज्ड मनी कितनी आ जाएगी, सबको ऐड कर दीजिए। पहले तो 19.50, यहाँ पर 90 आ जाएगा और यहाँ पर पॉइंट लगा के 20 कर देंगे, इसको इक्वल बना देंगे हम। इसके बाद 28 को यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट लिखा पॉइंट के नीचे, और फिर इसके बाद क्या है 2 और 5, इन सबको ऐड कर दीजिए। इतने सारे पैसों का उसने क्या खरीदा है, कुछ सामान खरीदा है, इन सबको ऐड कर दीजिए।
फाइव आ जाएगा यहाँ पर, 5 + 2 7 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17 का 7 कैरी 1, 9 + 1 10 + 2 12 और 1 13। तो रुपीज 137.75 रुपीज का उसने शुगर, गेहूं का आटा और बिस्किट खरीदे हैं। अब इस मनी को आप 150 से माइनस करा दीजिए, वो पैसे उसके पास बच जाएंगे। तो आप लिख दीजिए लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे 150, ठीक है, पॉइंट लगा के 20 बढ़ा लेंगे क्योंकि आप पॉइंट के बाद 2 नंबर है। अब 137 को इसके नीचे लिखेंगे 0.75। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करा लीजिए, बस यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यहाँ पर 9 बचेगा, 7 में से करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, फिर 9 में से 7 को करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 3 को करेंगे तो 1, ये बाद में 0 हो जाएगा। तो कितने रुपीज़ बच गए हैं उसके पास, रुपीज़ 12.25 उसके पास बच जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच नंबर डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 65.2 एस क्यूसेंट, वो नंबर बताइए जब हम 7 से डिवाइड करें और क्यूसेंट हमारा 65.2 आए तो क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में, हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो लिख दीजिए आप दी रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65.2 मल्टीप्लाई 7। ओके, इसको कर दीजिए आप। तो यहाँ पर 65, यहाँ देखो सबसे पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं, ओनली 1 है, नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं हमारे पास, 1 है, तो ओनली जब 1 है इस पॉइंट को अब आप भूल जाइए, 652 को आप 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए सिंपली, जैसे हम करते हैं छोटी क्लासों में करते आ रहे हैं। 72 जा 14 हो जाएंगे कैरी 1, 75 जा 30, 5 + 1 = 36 कैरी 3, 76 जा 42 + 3 = 45 आ जाएंगे। ओके, अब ये जो आंसर आ रहा है 4564, इसमें टोटल नंबर ऑफ डेसिमल हमारे 1 है तो 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए पीछे बस यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 456.4, वो रिक्वायर्ड नंबर होगा। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर हुज प्रोडक्ट विद 0.05 इज 0.0465, वो नंबर बताइए जिसका प्रोडक्ट एक नंबर के साथ इतना है। ओके, तो क्या करेंगे सिंपली हम 0.05 से 0.0465 को डिवाइड करा देंगे, हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो देखो हम करेंगे दी रिक्वायर्ड, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा है 0.0465, इसको हम डिवाइड करा देंगे 0.05 से। ओके, अब डिवाइड करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे डिवाइड की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमेटर की फॉर्म में, इसको लिखा हमने 0.0465, फिर मैंने नीचे लिखा 0.05। अब हमें यहाँ से पॉइंट ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि बिना, जब हम ये डिवाइज़र है ना, डिवाइज़र को जिससे हम डिवाइड करते हैं वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तब हम इजीली डिवाइड कर पाते हैं। सबसे पहले हमें ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म करना है, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रही हैं, 1 2 डिजिट आ रही हैं, तो हम 1 के साथ 20 लगा के क्या हो गया आपका 100 हो गया है, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जिसकी हम नीचे कराएंगे उसी नंबर की मल्टीप्लाई हम ऊपर भी कराएंगे। फिर से सुन लीजिए, हमें ये पॉइंट ख़त्म करना है, पॉइंट ख़त्म करने के लिए यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं 2 हैं तो 1 के साथ 20 आएंगे, अगर 3 नंबर होते तो 30 आती,
और जो नंबर हम मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं उसी नंबर की मल्टीप्लाई हमें ऊपर करनी है। अभी हम 100 से कर रहे हैं तो 100 से ऊपर भी करनी पड़ेगी। इसको सिर्फ सोल्व कर लीजिए, जब हम सोल्व करेंगे तो आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आपका 2 डिजिट आगे जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है तो आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका नंबर बन जाएगा 4.65, ये नंबर बन जाएगा आपका ये, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आपका पूरा यहाँ से पॉइंट खत्म होकर यहाँ आ जाएगा, तो सिंपली आपका 5 बचेगा। अब ये बहुत आसान है, अब आपका क्या क्वेश्चन बन गया, अब आपका क्वेश्चन ये नहीं बना, अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि 4.65 को आपको डिवाइड कराना है 5 से सिंपली। ओके, अब आप लिख दीजिए दी नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं, पॉइंट के बाद टू डिजिट है, 1, 2, 2 हो गए। अब आप सिंपली पॉइंट को भूल जाइए, ये आपका क्या बन जाएगा 4, 6, 5। अब आप इसको डिवाइड करा दीजिए 5 से सिंपली, 5 से कराएंगे, देखो 5 9 जा होते हैं 45, 1 बचेगा जो इस 5 को लेंगे तो 15 बन जाएगा, तो 5 3 जा 15, ये आपका पूरा चला गया। अब आया आपका यहां पर आंसर 93। अब नंबर ऑफ डेसिमल 2 है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1, 2 यहां पर लगा दीजिए, ये पॉइंट अकेला है तो एक जीरो और लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.93, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा डिवाइड करने के बाद, चाहे आप आंसर यहां लिख दीजिए चाहे यहां पर भी लिख सकते हैं। ओके, एक ही बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। द प्राइस ऑफ ए टैबलेट इज रुपी 0.35, एक टैबलेट की कॉस्ट कितनी है रुपी 0.35, जब किसी कॉस्ट 1 से कम होती है पॉइंट में होती है तो वो आर ई लिखा जाता है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ ए डोजेन टैबलेट, एक डोजेन का मतलब क्या होता है, एक डजन का मतलब होता है 12, तो 12 टैबलेट्स का कॉस्ट बतानी है, तो सिंपली हमें क्या गिवन है, दी प्राइस ऑफ 1 टैबलेट क्या है रुपी 0.35। ओके, सो दी प्राइस ऑफ 12 टैबलेट्स, क्योंकि एक डोजेन की बता रहा है, डोजेन का मतलब क्या होता है 12 भी तो होता है एक दर्जन, तो मैं सीधा लिख रहा हूं दी प्राइस ऑफ 12 टैबलेट्स स्ट्रिप मींस पूरा पत्ता होता है ना दवाइयों का वो होता है, तो 12 टैबलेट्स है पूरी उसके अंदर, तो 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर आया है ना ये 0.35, इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 12 की, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दी नंबर ऑफ डेसिमल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1, 2, सबसे पहले मैंने ये 2 लिखा। अब आप पॉइंट को भूल जाइए, अब आपका बन जाएगा ये 35 को आप 12 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 5 10 कैरी 1, 2 3 6 प्लस 1 7 क्रॉस लगा दीजिए, 1 5 5 1 3 3 0, 7 और 5 कितने होंगे 12, कैरी 1 3 प्लस 1 4 420, ये आपका आंसर आ रहा है 420। अब हम लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट कैसे लगाएंगे, कितने हैं नंबर ऑफ डेसिमल 2 है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए 1 and 2, यहां पर 4.20 यानी कि किस में आ जाएंगे रुपीस में आ जाएंगे, रुपीस 4.20 ये आपका आंसर हो जाएगा। 12 टैबलेट्स की कॉस्ट कितनी होगी रुपीस 4.20, 1 टैबलेट की कितनी थी 0.35। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। ए रीम ऑफ पेपर 500 शीट्स ऑफ पेपर कॉस्ट रुपीज 175, एक रीम होता है बंडल होता है बहुत बड़ा जो हम फोटो स्टेट में लगाते हैं ना ए4 साइज के, वो पूरा एक बंडल है उसमें 500 शीट्स हैं,
उसकी कॉस्ट कितनी है? 175 है। हाउ मच डज ए सीट कॉस्ट? एक सीट की कॉस्ट कितनी होगी, एक पेपर की कॉस्ट कितनी होगी? तो क्या करेंगे हम, 500 से 175 को डिवाइड करा देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दी कॉस्ट ऑफ 500 सीट्स। 500 सीट्स की कितनी है? ₹175। ओके, अब लिखेंगे हम दी कॉस्ट ऑफ वन सीट की कितनी होगी? अब हम डिवाइड करा देंगे 175 को 500 से। ओके, अब हम कैसे करेंगे डिवाइड? 175 यहां लिखा और 500 यहां पर लिखा। अब देखो यहां पर 500 ये है, यहां पर 175 छोटा है, तो इसलिए मैंने पहले ही पॉइंट लगा लिया। ओके, अब पॉइंट लगा के एक जीरो यहां पर बढ़ जाएगी। जब वो जीरो यहां पर बढ़ा ली मैंने, अब आसानी से कर सकता हूं, ये 3 टाइम जाएगा आपका, 1500 आ जाएगा। ओके, अब करेंगे जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, पॉइंट लगावा है तो ऑलरेडी एक जीरो और बढ़ा सकता हूँ मैं इसको। ओके, अब ये 500 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आएगा, 5000 5525। देखो ये 5 टाइम जा रहा है पूरा 2500, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो इसका मतलब 1 सीट ऑफ पेपर की कॉस्ट कितनी होगी? देखो यहां पर पॉइंट है 3-5, पॉइंट अकेला है तो एक जीरो और बढ़ा सकता हूं मैं। जब ये आपका आंसर 1 से कम आ रहा है तो यहां पर रुपीस की जगह रूपी लिखा जाएगा, आ रही, तो 1 सीट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? रूपी 0.35। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ए पार्किंग लॉट 0.624 ऑफ द 125 व्हीकल्स वर मोटरसाइकिल्स एंड द रेस्ट वर कार्स। देखिए एक टोटल व्हीकल हैं 125, जिसमें से 0.624 ऑफ द व्हीकल मोटरसाइकिल हैं, बाकी की कार है। तो ये बताना है कि उसमें से कार कितनी है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे टोटल व्हीकल्स, कितने हैं 125। अब हम निकालेंगे दी नंबर ऑफ मोटरसाइकिल, कितनी है 125 मल्टीप्लाई करा देंगे हम 0.624 की। ये हमारे नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, मोटरसाइकिल आ जाएंगी, और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 125 में से माइनस करा देंगे, वो नंबर ऑफ कार्स आ जाएंगी। ओके, अब आप देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ डेसिमल कितने हमारे 3 हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दी नंबर ऑफ डेसिमल 3 है। अब पॉइंट को आप भूल जाइए, यहां पर लिख दीजिए 624, इसको मैं पहले लिखता हूं, फिर 125 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 4 20 कैरी 2, 5 2 10 प्लस 2 12 कैरी 1, ओके, 5 6 30 प्लस 1 31। अब यहां पर क्रॉस का साइन लगा दीजिए, 2 4 8, 2 2 4, 2 6 12, फिर यहां पर क्रॉस का, यहां पर भी क्रॉस का, 1 4 4, 1 2 2, 1 6 6। अब यहां पर आ जाएगा 0, और 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा 10, कैरी 1, 4 प्लस 4
एट प्लस वन नाइन और प्लस वन टेन, कैरी वन हो जाएगा। थ्री प्लस टू फाइव, प्लस टू सेवन और प्लस वन एट हो जाएगा, और सिक्स प्लस वन सेवन। कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा आंसर इस वक्त, कितना आ रहा है ये, 78,000 आ रहा है। ओके, अब नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं, थ्री हैं, तो थ्री डिजिट पर पॉइंट लगेगा, वन टू थ्री। तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, 78। नंबर ऑफ मोटरसाइकिल कितनी हो जाएंगी, 78। ये 78,000 नहीं बचा, अब क्या बचा, 78, क्योंकि थ्री डेसिमल नंबर भी है हमारे पास, पीछे थ्री डिजिट बाद पॉइंट भी लगाना है। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, 78। ओके, इसको आप सीधा क्या लिख सकते हैं, 78 क्या हो गए, 125 व्हीकल में से 78 मोटरसाइकिल है। अब नंबर ऑफ कार्स बता दीजिए बस, दी नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स कितनी होंगी उस पार्किंग में, वन है टोटल, तो है 125, इसमें से आप 78 को माइनस करा दीजिए, तो 125 में से जब हम 78 को माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 8 और 7 15 होते हैं, यहाँ पर 11 बचेगा, 11 में 7 को करेंगे तो 4, यहाँ पर आ जाएगा 47 सब्ट्रैक्ट कराने के बाद। तो नंबर ऑफ कार्स कितनी आ जाएंगी, 47। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए लेडी गेव 0.7 ऑफ हर डॉल कलेक्शन टू एन ऑरफेंज, ऑरफेंज होते हैं अनाथ। एक अनाथ बच्चे को एक लेडी ने, उसका कुछ डॉल कलेक्शन था जिसमें से 0.7 तो उसने एक अनाथ बच्चे को दे दिया, जिसके बाद जो बचे हुए पार्ट्स थे, जो बचा हुआ पार्ट्स था उसमें उसने अपने टू ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दिया। तो वही ये पूछ रहा है, व्हाट पार्ट हर कलेक्शन डिड ईच ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन गेट, उसके जो बेटे हैं बच्चे थे ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको कितना कलेक्शन मिला। तो यहाँ पर हमें कलेक्शन नहीं गिवन है, टोटल कितना है, तो हम टोटल मान लेंगे। लेट दी टोटल डॉल कलेक्शन इक्वल टू वन मान लिया हमने, जब कुछ नहीं गिवन है तो हमने वन मान लिया, जिसमें से कितना मिला, दी कलेक्शन ऑफ ऑफ एन ऑरफेंज, ऑरफेंज मीन्स अनाथ बच्चे को कितना मिला, 0.7 मिला जिसमें से। तो फिर बचा कितना, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, फिर रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट बचा, एक पार्ट तो उसने इतना दे दिया, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, जीरो, इसमें से वन में से हम माइनस करा देंगे 0.7 को। जब आप वन में से एक पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 0.7 को जब हम माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 0.3 कलेक्शन और बचा हुआ है, पार्ट बचा हुआ है। वन पार्ट तो उसने कितना दे दिया था कलेक्शन का, 0.7 दे दिया था। अब आप क्या करना है, ईच ग्रैंड चिल्ड्रन गोट, लिख दो ईच ग्रैंड चिल्ड्रन गॉट, क्या करेंगे हम, 0.3 को डिवाइड करा देंगे 2 से, क्योंकि 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है तो उसको 2 से ही डिवाइड करा देंगे जो बचा हुआ पार्ट है। तो जब इसको हम डिवाइड कराएंगे, डेसिमल नंबर, नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं हमारे पास, 1 है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है। अब तो 1 आप भूल जाइए, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 को आप 2 से डिवाइड करा दीजिए, 2 1 जा 2, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 2 5 जा
10। अब ये आया आपका आंसर यहां पर 1.5। मगर यहां पर नंबर और डेसिमल कितने हैं, 1 है ना, तो पीछे ये जो आपका पॉइंट है एक नंबर और पीछे जाएगा, क्योंकि नंबर और डेसिमल हमारे पास 1 है, तो पॉइंट यहां से हटके आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट यहां से निकल के आपका पॉइंट यहां पर आ जाएगा ये, ओके। पॉइंट अकेला है इसलिए 0 लगा देंगे, तो हर चिल्ड्रन को कितने मिलेंगे, 0.15। ओके, टोटल कलेक्शन कितना था, हमने 1 माना है, जिसमें से उस अनाथ को कितना कितना दे दिया, 0.7 दे दिया, तो बचा हुआ कितना पार्ट बचा, 0.3 तो बचा, तो हर बच्चे को कितना मिलेगा, 0.3 से 2 को डिवाइड करा दिया 0.15, तो हर उसके हर ग्रैंड चिल्ड्रन को कितना मिलेगा, 0.15। चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। इन टीनास न्यू क्लास देर आर 55 स्टूडेंट, टीना के न्यू क्लास में 55 स्टूडेंट है, दिस इज 1.25 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर ओल्ड क्लास, जिसमें से 1.25 टाइम है पहली वाली क्लास का, ओल्ड क्लास के, तो वो पूछना चाह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन हर ओल्ड क्लास, जो पहली वाली क्लास थी उसमें कितने बच्चे थे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे न्यू क्लास के बच्चे कितने हैं 55 को हम 1.25 से डिवाइड करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, जो उसके प्रीवियस क्लास के बच्चे थे, पुरानी क्लास के, उसके नंबर आ जाएंगे हमारे पास। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ न्यू क्लास के कितने हैं 55। अब मैं सीधा कर रहा हूं, देखो ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें सीधा लिख देना है दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड क्लास, सिंपली ये लैंग्वेज लिखनी है, बहुत सिंपल है, ओल्ड क्लास क्या करेंगे हम 55 डिवाइड बाय 1.25, इसको सोल्व कर देंगे। अब आप देखिए, जब यहां डिवाइजर में पॉइंट है तो पॉइंट नहीं होना चाहिए, सबसे पहले इस पॉइंट को हम खत्म करेंगे, पॉइंट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब यही तो है 55 अपॉन 1.25, इसको न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लिया, तो पॉइंट को खत्म करने के लिए मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं 1 के साथ उतनी ही 0 आ जाती हैं, 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगी, 100 हो गया। अब इसी नंबर की हम मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, ये आपका बन जाएगा 5500 और नीचे आ जाएगा आपका 125, सिंपल बन गया आपका, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करा दीजिए, अब आपका क्या बन गया ये क्वेश्चन, अब आप इसको डिवाइड करा दीजिए, मैं यहाँ पर कराता हूँ 5500, इसको आप डिवाइड करा दीजिए 125 से, तो 125 का टेबल लेके जाना है हमें 3 डिजिट तक, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ पहले क्या आ रहा है, 125 को 4 से करता हूँ 4 टाइम, पूरा तो नहीं जाएगा लेकिन 5 तक जा सकते हैं हम, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 125 4 जा होते हैं 500, 4 टाइम जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने किया 500 तक आ गया। अब आप इसको सबट्रैक्ट करा लीजिए, 0 का 0 आ जाएगा, इस 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ पर तो पीछे 0 हो जाएगा, बस 50 आया आपका। अब आपके आगे इसको इस 0 को नोट कर लीजिए, अब आपका बन गया 500, देखो 125 4 जा हो रहे हैं 500, तो सिंपली ये 4 टाइम जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 500, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे उसकी पहली वाली क्लास में, ओल्ड क्लास में 44, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए आप 44, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 10H फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।